भारत माता की, भारत माता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय बंडी गारू जी और सभी मंच पर विराजमान नेतागण, तेलंगाना के आए हुए सभी मुख्यमंत्री और इतनी विराट संख्या में, इतने ऐतिहासिक सभा में उपस्थित तेलंगाना के सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं कि आपने आज केसीआर को, केटीआर को एक जवाब देने वाली संख्या में, एक बहुत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आज आप सब उपस्थित हुए हैं। गत 8 वर्षों में जिस प्रकार से तेलंगाना में भ्रष्टाचार की सरकार चली, जिस प्रकार से किसानों का अपमान हुआ, जिस प्रकार से रोजगार के अवसर नहीं मिले, इन सब तकलीफों में जो स्थितियां आज तेलंगाना में पैदा हुई हैं, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में आज तेलंगाना के सामने है। और मेरा विश्वास है, हम सभी का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर तेलंगाना में भी अब भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही कर्तृत्ववान सरकार, एक ऐसी सरकार जो इस प्रदेश में विकास करेगी, एक ऐसी सरकार जो बिना भेदभाव के हर वर्ग का चिंता करते हुए प्रदेश को तेज गति से आगे लेके जाएगी। युवाओं का सम्मान होगा, किसानों के उत्पादन का सम्मान होगा, किसानों को एक अच्छा भविष्य मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने विकास के कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कोने कोने तक पहुंचाए हैं, जिससे तेलंगाना वंचित रहा है, उसको पूरा करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में करने आ रही है। जैसा माननीय अमित शाह जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अब तेलंगाना के पास एक ही पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब तेलंगाना ने मन बना लिया है, जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। अब बदलाव की आंधी तेलंगाना में गांव गांव में देखने को मिलती है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो उत्साह है, जो गांव गांव में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, वो स्पष्ट दिखाता है कि अब तेलंगाना में लोग त्रस्त हो गए, दुखी हो गए, अब और भ्रष्टाचार नहीं सहन कर सकते, अब और परिवारवाद की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति तेलंगाना में नहीं चलेगी। लोगों को एक अच्छी सरकार चाहिए, लोगों को एक विकास से प्रेरित सरकार चाहिए, लोगों को बिना भेदभाव के हर वर्ग तक विकास पहुंचे ऐसी सरकार चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सोच बदली, देश में आर्थिक विकास पहुंचाया, देश के कोने कोने तक, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मुफ्त में अनाज हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो कुकिंग गैस का कनेक्शन हो, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में हर गरीब को मिली, इन सब गरीब कल्याण के कामों को देखते हुए अब तेलंगाना की जनता भी चाहती है कि यहां भी मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पे एक अच्छी सरकार आए। तेलंगाना की जनता भी चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास पूरे देश में हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत की आवाज बुलंद हो रही है, ऐसी सरकार अब तेलंगाना भी लोगों को चाहिए। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तेलंगाना के लोगों का उत्साह
गत तीन चार चुनाव में देखने को मिला, जिस प्रकार से हमारे पूर्व वित्त मंत्री को पूरी सरकार ने कोशिश की हराने की, पूरी तेलंगाना की सरकार जोर लगा गई कि इनको किसी तरीके से हराया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो तेलंगाना ने जो आज अपना मन बना लिया है, उसको देखते हुए जिस प्रकार से आपने चुन के भेजा हमारे छोटे भाई को, मैं समझता हूं वो एक ट्रेलर था। जिस प्रकार से आपने हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी में 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, एक ऐतिहासिक बढ़त, 4 से बढ़कर सीधा 50 सीटों की बढ़त की, ये सब देखते हुए तेलंगाना में आज केसीआर केटीआर चिंतित है, दुखी है, डरे हुए हैं। उनको दिख रहा है कि उनकी सरकार हाथ से जा रही है, उनको दिख रहा है कि बदलाव की आंधी आ रही है। आज स्पष्ट होते जा रहा है कि पूरे देश और विदेश में जो डंका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है, जिस प्रकार से प्रगति पूरे देश में पहुंच रही है। अब आप दृश्य देखिए मंच का, कितने सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में जुटी हुई है, अच्छा काम कर रही है। किस प्रकार से पूरे देश में आज लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़ा है। ऐसी परिस्थिति में तेलंगाना में भी बदलाव होना स्वाभाविक है, और बदलाव के साथ साथ युवाओं को अवसर मिलेगा, नए रोजगार के अवसर आएंगे। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर बड़ी तेज गति से पहले बढ़त होती थी, जैसे यहाँ पे फार्मा का इतना बड़ा स्कोप है, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप की दुनिया इतना बेहतरीन काम कर रही है, मुझे दिखता है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में नए विकास के साथ नए रोजगार, नए काम के अवसर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जिसमें बड़े मात्रा में तेलंगाना में आज भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको भी बदलने के लिए हम सबको आगे आने वाले चुनाव में एक मौका मिलने जा रहा है। तेलंगाना में एक एक प्रोजेक्ट को जब हम देखते हैं, कहां 40,000 का प्रोजेक्ट सीधा 1,30,000 करोड़ का हो जाता है, 40,000 करोड़ और 1,30,000 करोड़, बाकी पैसा कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, कौन है जो ये भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका जवाब केसीआर को देना पड़ेगा, इसका जवाब केटीआर को देना पड़ेगा, इसका जवाब तेलंगाना के एक एक मंत्री, एक एक विधायक को, हमें जनता को देना पड़ेगा। और आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा, कब तक फार्म हाउस से तेलंगाना की सरकार चलेगी, कब तक तेलंगाना के लोग भ्रष्टाचार को सहन करते रहेंगे, कब तक यहाँ के किसान परेशान रहेंगे, कब तक यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं अभी अभी आंकड़े देख रहा था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, जिस प्रकार से तेलंगाना में बच्चों के, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसको भी बड़ी गंभीरता से हम सब ने सोचना पड़ेगा। इस अत्याचार को, इस अन्याय को रोकने की सख्त आवश्यकता है, और मैं समझता हूं आज तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि जैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, जैसी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में है, वैसी कानून व्यवस्था, वैसे अमन शांति आज तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं। हाल में ही आपने देखा महाराष्ट्र में भी
सत्ता का बदलाव हुआ है, सत्ता बदली है। मैं मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र के लोग भी दुखी थे। वहां कांग्रेस, एनसीपी और एक उद्धव ठाकरे जी का गट मिलके एक भ्रष्ट सरकार दे रहा था, जो विकास को पूरी तरीके से नष्ट कर रहा था। जनता ने सहन नहीं किया, जनता ने आवाज उठाई और उस आवाज को सुनते हुए वहां के विधायकों ने तय किया और वहां से सरकार बदली। आज वहां पे नए स्पीकर का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के राहुल नार्वेकर जी जीत के आए और कल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार, एक विकास से प्रेरित सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार अब महाराष्ट्र में भी आने जा रही है। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में अब राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी केसीआर और केटीआर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि अब आने वाली 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने जो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको बड़ी मात्रा में विजय करके देश एक बड़ा संदेश आदिवासी भाई बहनों को भी देगा कि अब समाज में जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो शोषित समाज है, उसकी चिंता करने वाली सरकारें, उसकी चिंता करने वाले लोग, उनकी चिंता करने वाले नेतृत्व को प्राथमिकता मिलेगी। और आगे आने वाले दिनों में पहली बार भारत में एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी। मैं समझता हूं हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतना बड़ा मान, इतना बड़ा सम्मान देने का निर्णय किया। और उसके लिए मैं समझता हूं हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना है, उनका साधुवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।